अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप सब ठीक हो और अपने अपने घरों में हो और बाहर नहीं जा रहे। आपका CNS तो यूनिट ख़त्म हो गया। अब आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है ऑटोकॉइड्स, और उसमें सबसे पहला लेक्चर होगा हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन्स का। ऑटोकॉइड्स आर एंडोजिनस मॉलिक्यूल्स विद कॉम्प्लेक्स फिजोलॉजिकल एंड पैथोफिजोलॉजिकल फंक्शंस, बट दे डू नॉट फॉल इन टू द ट्रेडिशनल ऑटोनॉमिक ग्रुप्स। दे आर बेसिकली लोकल हॉर्मोन्स लाइक हिस्टमीन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वेसोएक्टिव पेप्टाइड्स। तो आज का लेक्चर आपका हिस्टमीन एंड एंटी हिस्टमीन्स पे होगा, और बाकी ऑटोकॉइड्स आप अगले दिनों में पढ़ोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू राइट डाउन द टाइप्स, लोकेशन एंड पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म्स ऑफ हिस्टमीन, the classification of antihistamines and advantages of second generation H1 blockers over the first generation, clinical uses and adverse effects of antihistamines. मैं आपको बीच में छोटे छोटे questions पूछूंगी जो आपने लिखने हैं, और बाद में अपने अपने WhatsApp groups में जो है वो share करने हैं, ठीक है? ये आपका बीच का assignment होगा, उसी की basis पे आपकी attendance भी लगेगी। So what is histamine? आप सब biochemistry में पढ़कर आए हुए हो, तो हिस्टामिन का आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हिस्टामिन जो है वो होता क्या है। हिस्टामिन इज एन इम्पॉर्टेंट मीडिएटर ऑफ इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे अर्टिकेरिया या हाइव्स होते हैं उसमें इट इज मीडिएटर ऑफ इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। आपको पता है कि एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं वो क्यों होते हैं? जब हम एक्सपोज होते हैं टू अ स्पेसिफिक एंटीजन, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है जो IgE मीडिएटेड होते हैं, और जब हमारा सेकेंड एक्सपोजर होता है टू द सेम एंटीजन तो IgE एंटीबॉडीज वो मास सेल्स पे जाके बाइंड करती हैं और मास सेल्स डीग्रेन्यूलेट करते हैं और उनमें हिस्टामिन होती है जो कि रिलीज हो जाती है। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी, अगर ड्यू टू इंजरी है तो मास सेल्स की इंजरी होगी और मास सेल्स जो हैं दे एक्ट एज स्टोर्स ऑफ हिस्टामिन, तो वो हिस्टामिन को रिलीज कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहला तो हिस्टामिन के इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज मीडिएटर ऑफ इमीडिएट एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ठीक है? इट आल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। जो एंटेरोक्रोमिफिन सेल्स होते हैं फंडस ऑफ द स्टमक में, पेराइटल सेल्स जो स्टमक के हैं, उसमें हिस्टामिन रिलीज होती है, जिसकी वजह से फिर एसिड सिक्रीट होता है, वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीटागोग होता है, ठीक है? Histamine also functions as a neurotransmitter and neuromodulator, and it also has role in immune functions and chemotaxis of WBCs. तो आपने ये points याद रखने हैं कि histamine के ये चार main functions हैं, और antihistamines भी हम फिर पढ़ेंगे कि वो किस तरह से act कर रहे होते हैं। Because histamine is released from mast cells in response to IgE-mediated allergic reaction, this autocoid plays a pathophysiological role in seasonal rhinitis, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं, हेयर फीवर भी कहते हैं, अर्टिकेरिया, हाइव्स एंड एंजियोडीमा। इन सब की पिक्चर्स मैं आपको आगे दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। एंजियोडीमा जिसमें स्वेलिंग हुई भी होती है आईज की, लिप्स की, नोज की, उसको एंजियोडीमा कहते हैं। हिस्टामिन अकर्स इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल टिश्यूज एंड इज अ कंपोनेंट ऑफ सम वेनम्स एंड स्टिंगिंग सिक्रीशंस। अगर कभी किसी को बी स्टिंग हुआ हो या वैस्प स्टिंग हुआ हो तो उसको पता होगा कि वो उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, और वो हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से होते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। हिस्टामिन वॉज सिंथिसाइज इन 1907 एंड लेटर आइसोलेटेड फ्रॉम मेमेलियन टिश्यूज। इट इज फॉर्म्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द अमाइनो एसिड हिस्टिडीन। ये इंपॉर्टेंट MCQ आपको पता होना चाहिए कि हिस्टिडीन की डीकार्बोक्सिलेशन होती है, और एंजाइम कौन सा होता है? हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, जिसकी वजह से हिस्टामिन बनती है। अब जैसे बाकी सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जब बनते हैं तो दे आर स्टोर्ड इन द वेसिकल्स, इसी तरह हिस्टामिन इज आल्सो स्टोर्ड इन हाई कॉन्सेंट्रेशंस इन वेसिकल्स, इन द मास सेल्स, इन द एंटेरोक्रोमिफिन सेल्स ऑफ द गट, इन सम न्यूरॉन्स एंड फ्यू अदर सेल टाइप्स। हिस्टामिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम्स मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंड डायमाइन ऑक्सीडेज, एंड इट्स मेजर मेटाबोलाइट इज इमिडाजोल एसिटिक एसिड, जिसको IAA भी एब्रीविएट करते हैं। तो इस स्लाइड में से जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए, एक के हिस्टामिन इज फॉर्म्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन, फिर इट इज स्टोर्ड इन वेसिकल्स, एंड उसका जो मेजर मेटाबोलाइट है दैट इज इमीडाजोल एसिटिक एसिड। और ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सिस्टेमिक मैस्टोसाइटोसिस होती है और डिजीजेज जिनमें देयर इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन, उसमें आप उस डिजीज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? आपको
यूरिन में आईएए के लेवल्स हाई मिलेंगे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हिस्टामीन सिंथेसाइज भी हो गई, स्टोर भी हो गई, नेक्स्ट स्टेप इज द रिलीज ऑफ हिस्टामीन। सो द स्टोर्स ऑफ हिस्टामीन इन द मास्ट सेल्स कैन बी रिलीज थ्रू सेवरल मैकेनिज्म्स। और हमने भी पहले बात की थी कि स्टोर वो कहाँ हो रही है, इन द वेजिकल्स, और वेजिकल्स कहाँ हो सकते हैं, इन द मास्ट सेल्स, एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स हो सकते हैं, कुछ न्यूरॉन्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रिलीज किस तरह का होता है, एक तो इम्यूनोलॉजिकल रिलीज होता है। इम्यूनोलॉजिकल रिलीज में क्या होता है कि द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स दैट आर सेंसिटाइज बाय आईजीई एंटीबॉडीज अटैच टू देयर सर्फेस, दे डीग्रेन्यूलेट एक्सप्लोजिवली ऑन एक्सपोजर टू एन अप्रोप्रिएट एंटीजन, जो सारी हमने पहले बात की। एंड दिस टाइप ऑफ रिलीज रिक्वायर्स एनर्जी एंड कैल्शियम। और जो दूसरा होता है केमिकल एंड मैकेनिकल रिलीज, उसमें द ड्रग्स डिस्प्लेस हिस्टमीन फ्रॉम इट्स बाउंड फॉर्म विद इन द सेल। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। और ड्रग्स जैसे आप पहले पढ़ चुके हुए हो, ट्यूबोक्यूरिन है, मॉर्फिन है, वो हिस्टमीन रिलीज करते हैं, तो वो इस तरह से करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस करके उसको। हिस्टामिन मॉड्यूलेट्स इट्स ओन रिलीज एंड ऑफ अदर मीडिएटर्स फ्रॉम सेंसिटाइज मास्ट सेल्स इन सम टिश्यूज बाय अ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म मीडिएटेड बाय H2 रिसेप्टर्स, ठीक है। मास्ट सेल्स में से हिस्टामिन का कितना रिलीज होना है, ये सारा H2 रिसेप्टर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं थ्रू अ नेगेटिव फीडबैक। एंड द मास्ट सेल्स इन द स्किन एंड बेसोफिल्स शो दिस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, बट द लंग मास्ट सेल्स डू नॉट। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो लंग मास्ट सेल्स हैं उनमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है नेगेटिव फीडबैक वाला H2 रिसेप्टर्स के थ्रू, लेकिन स्किन और बेसोफिल्स में है। हिस्टामिन सिंथेसाइज भी हो गई, स्टोर भी हो गई, रिलीज भी हो गई, अब उसने एक्ट करना है। और एक्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए, रिसेप्टर्स। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर्स एंड ऑल ऑफ देम आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। तो जैसे पहले आपने रिसेप्टर्स में पढ़ा है कि उनकी लोकेशन आप याद करते हो पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म, इसी तरह हिस्टामिन के रिसेप्टर्स का भी करना है। हमारा मेन कंसर्न H1 और H2 रिसेप्टर्स के साथ होगा, क्योंकि आगे जो हम एंटी हिस्टामिन्स पढ़ेंगे वो इन्हीं रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। H3 H4 का कोई इतना क्लिनिकल यूज नहीं है, बस आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो H1 इज जी क्यू कपल्ड है, तो इट विल इंक्रीज IP3 एंड डैग, ये सेकेंड मैसेंजर है इसका सिस्टम। H2 इज GS कपल्ड, इट विल इंक्रीज साइक्लिक AMP। H3 एंड H4 आर GI कपल्ड, दे विल डिक्रीज साइक्लिक AMP, ठीक है। तो H1 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई, GIT, ठीक है, यहाँ पर होंगे, इनकी लोकेशन है। और यहाँ ये कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं, एंडोथीलियम में है, ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्रेन में है, वहाँ भी स्टिमुलेशन करेंगे। H2 रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा, वहाँ ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन ज्यादा करेगा। कार्डियक मसल में है, तो ये हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी को ज्यादा करेगा। ब्रेन में है, वहाँ भी स्टिमुलेटरी इफेक्ट आएगा। H3 जो है ये प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं एज ऑटो रिसेप्टर्स एंड हेट्रो रिसेप्टर्स, जबकि H1 और H2 पोस्ट साइनेप्टिक थे। और आपने पहले कौन से प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स पढ़े हुए हैं, α2 पढ़े थे और M1 पढ़े थे, ठीक है। तो α2 जो थे ऑटो रिसेप्टर्स, वो क्या करते हैं, रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन को इनहिबिट करते हैं। इसी तरह जो H3 है प्री साइनेप्टिक के, अगर आप देखो तो हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट करेंगे, और बाय एक्टिंग एज हेट्रो रिसेप्टर्स दूसरे भी न्यूरो ट्रांसमिटर्स के रिलीज को इनहिबिट करेंगे। एंड H4 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन ल्यूकोसाइट्स ना, इओसिनोफिल्स पे हैं, न्यूट्रोफिल्स पे हैं, और CD4 टी सेल्स में। तो ये लोकेशंस आपको पता होने चाहिए, फोर टाइप्स के हैं और उनके पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म्स क्या हैं ये आपको। तो टिपिकल रिस्पॉन्सेस ऑफ H1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन इंक्लूड पेन एंड इचिंग इन द स्किन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन। एंड वेजो डायलेशन इज कॉज बाय द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, लोकल एडिमा, एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओपनिंग द गैप्स इन परमेबिलिटी बैरियर, फ्लूइड ऊज आउट होता है और एडिमा हो जाता है। एंड दीज इफेक्ट्स अकर इन एलर्जिक रिएक्शंस एंड मेस्टोसाइटोसिस। H2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, दे मीडिएट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय पेराइटल सेल्स, दे ऑल्सो कॉज कार्डियक स्टिमुलेशन, अभी हमने बात की थी, एंड नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट रिड्यूस हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास सेल्स। और ये कौन से वाले मास सेल्स में होते थे, हमने बात की थी कि लंग्स वाले मास सेल्स में नहीं होंगे। H3 रिसेप्टर्स क्योंकि प्री साइनेप्टिकली थे, इट विल मॉड्यूलेट द हिस्टामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन CNS, और बाय
हेट्रोरिसेप्टर मैकेनिज्म अगर देखें तो इट ऑल्सो अफेक्ट्स द रिलीज ऑफ अदर ट्रांसमीटर्स एंड एच फोर रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द ल्यूकोसाइट्स एंड मास सेल्स, तो इनका कीमोटैक्टिक इफेक्ट होता है एंड दे प्ले अ पार्ट इन इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जी. The structures of H1 and H2 receptors differ significantly and appear to be more closely related to muscarinic and serotonin receptors, ठीक है, than to each. The tissues and organ system effects क्या है, अब आपको पता हो कौन कौन से organ system पे effect आएगा जब हमने receptors की location कर ली कि वो endothelial cells में है, cardiac muscle में है, smooth muscle में, nerve cells में, inflammatory cells में, तो इन सब पे इसका organ system effects देखते हैं हम अभी क्या आते हैं. तो so starting from CNS, it is a powerful stimulant of sensory nerve endings mediating pain and itching. इसी वजह से pain और itching होती है histamine के release से. And histamine also plays role in appetite and satiety by acting on H1 and H3 receptors. इसीलिए आपने देखा था कि antipsychotic drugs जो कि H1 या H3 receptors को block कर रही थी, उनके adverse effect में weight gain आ रहा था. ठीक है, और तब भी हमने ये बात की थी कि वो histamine blockade की वजह से वेट गेन होता है. देन इट डिक्रीजेस सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजेस द हार्ट रेट. ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये वेजोडाइलेशन कर रही है, वेजोडाइलेशन करेगी तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. और हार्ट रेट इंक्रीज होगा बाय डायरेक्ट स्टिमुलेटरी एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन द हार्ट एज वेल एज ड्यू टू रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज हो रहा था उसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी हो रहा होगा, तो हार्ट रेट इसलिए इंक्रीज हो रहा है. और वेजोडाइलेशन की वजह से देयर विल बी फ्लशिंग, सेंस ऑफ वार्मथ, और जब सेरिब्रल वेसल्स डायलेट करेंगी तो हेडेक होगा. और जीआईटी में भी स्मूथ मसल्स में H1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दे कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल, तो अगर हिस्टामिन को बहुत लार्ज डोज में दे दें तो इट कैन कॉज डायरिया, कॉजेज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. And patients with asthma are very sensitive to histamine. It has insignificant effects on the eye and genitourinary tract. However, pregnant women suffering from anaphylactic reactions may abort as a result of histamine-induced contractions. तो ये आपको MCQs के लिए पता होने चाहिए. फिर secretory tissue पे it has powerful stimulant effect on gastric acid secretion and to lesser extent जो है ये गैस्ट्रिक पेप्सिन और इंट्रिंसिक फैक्टर की सिक्रीशन कराता है एंड ऑल्सो स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन इन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. लेकिन जो बेसिकली आपने याद रखनी है वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है उसको याद रखना है. फिजियोलॉजी में आपने द ट्रिपल रिस्पॉन्स पढ़ा था, इसमें भी आपको नोट आ सकता है या वैसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि वट इज अ ट्रिपल रिस्पॉन्स. इट इज अ क्लासिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिस्टामिन इफेक्ट मीडिएटेड मेनली बाय H1 एंड H2 रिसेप्टर्स. This response involves a small red spot at the center of an intradermal injection of histamine surrounded by a red edematous wheal and a flare. ठीक है, तो this process involves three separate cell types, smooth muscles in microcirculation, capillary endothelium and sensory nerve endings. ठीक है, ये वेजोडाइलेशन जो है उसकी वजह से रेडनेस आ रही है और फिर एडीमा हो रहा है, अभी हमने बात की थी एंडोथीलियम कॉन्ट्रैक्ट करती है उसकी वजह से, और जो फ्लेयर आ रहा होता है दैट इज एन एक्सॉन रिफ्लेक्स, और इचिंग भी हो सकती है इन सब चीजों के साथ. हिस्टामिन हैज नो थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस In pulmonary function laboratories, histamine aerosol has been used as a provocative test of bronchial hyperreactivity in the patients with suspected asthma and cystic fibrosis. ठीक है, तो इसको सिर्फ एक provocative test के लिए use करते हैं, वैसे इसका कोई use नहीं है. आप एक और drug आप पढ़ चुके हुए हो जिसको provocative test में use करते हैं bronchial hyperreactivity check करने के लिए, उसका नाम आप लिखोगे और मुझे WhatsApp करोगे. अच्छा, एक हिंट दे देती हूँ, ANS में पढ़ा था आपने. इसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, वेजोडाइलेशन की वजह से क्या क्या हो रहा है, फ्लशिंग हो रही है, हाइपोटेंशन, हेडेक, टैकीकार्डिया, व्हील्स, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट हो सकता है, ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स होंगे.
and these adverse effects they also occur after the ingestion of spoiled fish. ठीक है, उसमें क्यों होता है? क्योंकि जो spoiled fish जो होती है उसमें bacterial action on the flesh जो होता है it causes the release of histamine और उसकी वजह से ये सारे के सारे effects आते हैं. अब contraindications क्या क्या होंगी? Histamine should not be given to patients with asthma except जब आपने उसका test करना हो, active ulcer disease या gastrointestinal bleeding अगर हो तो it is contraindicated.